Hi guys. Today I'm in Vashi. Tomorrow Wednesday I'm in Nagpur. Thursday I'm taking the workshop in Pune. And Friday, Saturday, Sunday we are conducting the lectures in all our branches. So in case you want to attend a demo lecture or want to come and meet me, please do call any of the numbers given here. Yeah. Or in case you want to join us for the book small shortcuts, you can just call the numbers. We are launching our G strategy program in all the locations. All right, today I'll tell you the day I realized the value. Kis chit ki value mein baat batata hun ke I applied for a summer internship at ICICI Bank. JB mein ek company aayi thi ICICI Bank karke. ICICI Bank nahi aayi thi, aisa ek aur naam tha, theek hai, koi aur bank tha, imagine kar lo koi bhi bank. So they come for the off summer assignments. IDBI, IDFC, jo assume karna aap assume kar sakte ho. Desh azad hai hamara, aap assume kar lo. Okay, so when I was applying for, I applied for that. Every finance ka person applied for that off summer. I was the only operation ka army applied for that. Okay, sub finance. There were 10 people called for the interview in BKC, in their headquarter. All finance ke bande, I was the only non-engineer, a non-finance person, operation wala banda. Interview start hua. He started asking question on बैलेंस शीट क्या होता है, ये क्या होता है, वो मैंने आंसर नहीं पता, CRR रेशो नहीं पता सर, मैं ऑपरेशन का बंदा. तो उसने बोला अप्लाई क्यों किया, ये क्यों किया. देन ही स्टार्टेड लेफ्ट राइट सेंटर. इज एलुमना ऑफ द कॉलेज. कि हमारे टाइम पे जेबी की इज्जत होती थी. अब आजकल के बैच टिपिकल एलुमना है कि हमारा टाइम पे टाइम होता था, आजकल तो क्या चल रहा है. हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे टाइम पे वो होता था. 15 मिनट उसने ज्ञान दिया, बहुत पेला, बहुत मारी. तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, बहुत मारा उसने. 15 मिनट लाल करने के बाद ही गेव मी द ऑफर कि ये ले, जॉइन अस फॉर समर इंटर्नशिप, ऑफ समर असाइनमेंट, ऑफ समर फॉर टू वीक्स, जॉइन अस फॉर 2 वीक्स. तो मैं लेटर लेके बाहर आया. बाहर आते आते, मतलब वहां से लेके बाहर आने तक मैं एक ही सोच रहा हूं कि साला जब ऑफर देना था तो मारा क्यों, जब इतनी मारी तो फिर ऑफर क्यों दिया. मैं 15 मिनट समझता रहा. फिर मैंने आई टुक द कैब, जो भी ट्रेन, केम टू द कॉलेज. फिर जब मैंने कॉलेज को देखा फिर मेरे को चमका. कैन यू गेस क्यों दिया ऑफर? क्योंकि भैया तुम जेबी में हो, बिकॉज तुम आई एम में हो, जेबी में हो, SPGN, FMS, ऑल द टॉप कॉलेज. उसको पता है कि बिकॉज तू बंदा जो जेबी निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है. एलुमिनाई ऑफ द कॉलेज और एनी पर्सन कंपनी इन द कॉलेज नोज कि कॉलेज में क्या सिखाया जाता है. इट्स नॉट अबाउट जेबी, अबाउट इंजीनियरिंग में क्या सिखाया जाता है यार. IIT बॉम्बे ले लो, या NIT नागपुर ले लो, जहां से मैंने इंजीनियरिंग किया, हमें क्या सिखाया गया. 4 साल मैंने रट्टा मार मार के पास किए, बट स्टिल दे आर कमिंग एंड टेकिंग ऑन कैंपस बिकॉज को पता कि तू बेटा NIT का है, तू कर लेगा काम, तू सीख लेगा. दैट्स अ वैल्यू ऑफ ज्वाइनिंग अ गुड कॉलेज. नॉलेज सबका सेम है. यू गो टू, हमारा भाई है क्या आज, जिसने कहा था कि जेबी जेबी क्यों करते हो भाई, बैठा ना भाई हमारा. हाँ भाई, यहां फर्क पड़ता है कॉलेज के नाम का, राइट. डजंट मैटर कि तुम नॉलेज क्या तुम्हारी, बिकॉज यू इन दैट कॉलेज, कोई ना कोई तो ले ही लेगा यार, एक कंपनी तो उठाई लेगी हमको, ठीक है. तो यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट थिंग, to get to IIMs, to get to this, to get to that, just because तो आगे तुम्हें टॉप कंपनी उठा सके. All right. Yes, yes, yes. जो कॉलेज के साथ तुम्हें ऑफ समझ करने का टाइम मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, चलो जी, ऑल द बेस्ट. बस अभी हार्डवर्क करो. यस, हाँ हाँ, कंपनीज कैन कम टू द अदर कैंपस ऑल्सो. यस, बिल्कुल बिल्कुल, चलो वही बात कर लेते हैं अभी.